पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तः शान्तः ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तः शान्तः हाँ जी, तो क्या सुन चुके हैं आप लोग? विचार सुन रहे हैं, आत्मा और अनात्मा का विचार करना चाहिए। और आत्मा क्या है ये बतला दिया है संक्षेप में। क्या बताया? स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर त्रया विलक्षण। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से जो अलग है, क्योंकि अपने को क्या मानता है, या तो स्थूल शरीर मानता है या सूक्ष्म शरीर मानता है या फिर कारण शरीर जीव रूप अपने को मानता है ना। तो ये आत्मा नहीं है। फिर क्या कह दिया है? पंचकोशावतिरिक्त या विलक्षण, एक ही बात कि पांच कोश से जो अलग है, भिन्न है, वो आत्मा है। फिर और बतलाया है अवस्था त्रय साक्षी सन। क्या है? जो जागृत स्वप्न सुषुपति तीन जो अवस्थाएं है इनका साक्षी। इनका क्या है? साक्षी। और सच्चिदानंद स्वरूप जो सत स्वरूप है, चिद स्वरूप है और आनंद स्वरूप है वो आत्मा। तो अनात्मा क्या है जी? तो अनात्मा बदला दिया था अनृत जड़ दुखात्मकम समष्टि व्यष्ट्यात्मक शरीरत्रयम् अनात्मा। सब कुछ ग्रहण हो, अनृत जड़ और दुख रूप। अनृत माने जो रित नहीं, सत्य नहीं, अर्थात मिथ्या, जड़ बिल्कुल सत चित आनंद का विपरीत जो है। आत्मा क्या है? सत चित आनंद। और अनात्मा क्या है? असत जड़ दुख रूप। उसी को कह दिया है अनृत जड़ दुखात्मकम समष्टि व्यष्ट्यात्मक शरीरत्रयम्। समष्टि व्यष्टि रूप, व्यष्टि रूप ये हमारा जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये क्या हो गई? व्यष्टि में हो गई। और ये क्या हो गया? समष्टि हो गया। विराट, हिरण्यगर्भ और ईश्वर, ये क्या हो गए? ये क्या हो गए? ये समष्टि में। तो पिंड और ब्रह्मांड जिसको कह दें, व्यष्टि माने पिंड और समष्टि माने ब्रह्मांड। तो पिंड और ब्रह्मांड जो भी स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर है, इसमें ग्रहण क्या हो जाएगी? माया भी ग्रहण हो जाएगी।
तो ये सब का सब क्या है? अनात्मा है। तो फिर पूछते हैं जी, वो बतला दिया है कि शरीर, तीन शरीर कौन से है? तो स्थूल सूक्ष्म कारण है ही, स्थूल शरीर बता दिया है। पंचीकृत भूतों का जो कार्य है कर्मों से उत्पन्न होता है, और जन्म आदि षड्भाव विकार जिसमें है ये बतला दिया है। पंचीकरण पूछा है, पंचीकरण किम? तो उसके पंचीकरणम तू, जैसे एक एक के दो भाग किए, उनमें से एक भाग को चतुर्धा प्रथमम पुनः दूसरे वाला रख दिया, और पहले वाले के क्या किए, चार भाग और कर दिए। और फिर जो है अपने अपने से भिन्न सब को क्या किया है, जो चार हैं, पांच भाई है ना, तो अपने से भिन्न कितने भाई रह गए, चार। तो उनमें जो चार भाग हुए हैं, एक एक भाग चारों भाइयों को दे दिया है, तो इसी को क्या बोलते हैं, पंचीकरण बोलते हैं। पांच के पच्चीस हो जाते। अब आगे देखो जी क्या बतलाते हैं, 47 पृष्ठ पर। शीर्यते वयो भी बाल्य कुमार यौवन वार्धक्यादि भी इति शरीर, क्या बोला है, शरीरत्रयम्। अब शरीर बताते हैं, शरीर किसको कहते हैं? शीर्यते, जो क्या होता है, क्षीण होता है, क्या होता है, जो क्षीण होता है। वयो भी किसके द्वारा, वय के द्वारा, आयु के द्वारा जो क्षीण होवे, काल के द्वारा जो क्षीण होवे, तो क्या क्या है, बाल्य कौमार यौवन वार्धक्यादि भी। उस तो बाल्यावस्था खा जाती है, शरीर को क्षीण करती है, उम्र तो क्षीण होती है ना, फिर कुछ कौमार अवस्था आती है, फिर यौवन आता है, और फिर क्या आता है, बुढ़ापा आधमकता है, जिसको कोई चाहता तो नहीं, पर अनवांटेड गेस्ट, कैसा है बुढ़ापा, ऐसा मेहमान जिसको हम नहीं चाहते हैं पर जो जबरदस्ती आ जाता है, रोके से नहीं रुकेगा, वो कहते ना कि डटे ना डटेगा यूं, है रोके ना रुकेगा यूं, पहावना दिन चार। शरीर तो क्या है, चार दिन का पहावना जानते हो आप लोग, हाँ पाहुना माने मेहमान को पावना कहते, सब भाषाएं पता होनी चाहिए, हैं? तो इस तरह है जो वय के द्वारा, आयु के द्वारा क्षीण होता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, शरीर, शीर्यते इति शरीर। फिर देह बतलाते हैं, दाह भस्मीकरणे इति व्युत्पत्ति त्या च देह भस्मी भावम प्राप्नोति। दह धातु है भस्मी करने इस अर्थ में, तो इस प्रकार व्युत्पत्ति के द्वारा देह भस्मी भावम प्राप्नोति, ये जो शरीर है क्या होता है, भस्मी भाव को प्राप्त हो जाता है, क्या होता है, भस्म हो जाता है ना, मतलब अब आगे आशंका और आगे भी कर लेंगे, चलो आगे ही बताएंगे, मैं क्यों बताऊं, आगे आ ही रहा है। तो क्या भस्म हो जाता है ये शरीर, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, देह दहनात, दहन होता है ना इसका, जलता रहता है, इसीलिए देह है, इसीलिए क्या है, देह है। ननु के चिद देहा न भस्मी भावम प्राप्नुवंती। हाँ जी, कुछ लोग कहते हैं ना कि देहा न भस्मी भावम प्राप्नुवंती, कुछ लोग क्या करते हैं, गाड़ते हैं, कुछ लोग जल में बहा देते हैं,
तो कहते उनके देह कहाँ भस्मीभूत हुए, कहाँ राख बने, उनको तो जलाया नहीं गया। तो के चिद देहा खननादि प्राप्नुवंती, बता दिया है कि कुछ लोग क्या करते हैं, गाड़ देते हैं। कथम उच्यते सर्व स्थूलादिकम स्थूल देह जातम भस्मी भावम प्राप्नोति, कैसे कह रहे हो जी आप ये बात कि संपूर्ण जो स्थूलादिक स्थूल देह है वो क्या है, भस्मी भाव को प्राप्त होता है, कैसे कह रहे हो ये बात, है ना, ऐसे आ गया कोई व्यक्ति। तो कहते हैं यद्यप्येवम, ठीक है ऐसा भी है, लेकिन फिर भी तथापि केन अग्निना दाहकत्वं संभवति इत्यतः आह, तो किस अग्नि के द्वारा दाह भाव को प्राप्त होता है, समझाते हैं, थोड़ा सा धैर्य रखो भाई, क्यों जल्दी से उखड़ रहे हो, हैं, उखड़ जाता है ना जिसमें धैर्य की कमी होती है वो जल्दी जोश में आ जाता है, तो सब करे थोड़ा ठंडा रख, थोड़ा सा रुक जा, बताते हैं। तो केन अग्निना दाहत्वं संभवति इत्यतः आह, सर्वेषां स्थूल देहानां आध्यात्मिकादिदे आदिभौतिकादिदैविकादि तापत्रयाग्निना दाहत्वं संभवति। देखो जी, सर्वेषां स्थूल देहानां, सबके जो स्थूल शरीर है ना, आध्यात्मिक आदिभौतिक और आदिदैविक जो ताप है, इन तीन ताप के रूप, ताप रूप अग्नि के द्वारा, ताप है ना निरंतर अग्नि जल रही है, अग्नि के द्वारा दाहत्वं संभवति, तो इनका जो दहा है, इनका जो भस्म होना है, तो ये संभव ही। आध्यात्मिक दुख ताप रहता है, चिंता आदि, और आदि भौतिक जो अन्य दूसरे व्यक्ति से या और अन्य भूतों से, सर्प व्याघ्र आदि से, हस्ती आदि से, और जो आदि दैविक माने जो ये रहता है, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, अधिक वर्षा हो गई, तो इस तरह ताप रहते हैं ना, इन तीनों तापों के द्वारा क्या होता है, ये जो स्थूल शरीर है इसका दाहत्वं संभवति, निरंतर जल रहा है। चिता तो एक बार जलाती है और चिंता बार बार जलाती रहती है, क्या बोला है, चिता में और चिंता में कैसे बड़ा अंतर है, चिता दहति निर्जीव को चिंता जीव समेत, ऐसे रहीमन का आता था दोहा, ऊपर वाला ध्यान नहीं है, चिता दहति निर्जीव को और चिंता जीव समेत, चिता क्या जलाती है, निर्जीव को जलाती है, मरे हुए को, और चिंता को जलाती ही रहती है, हाँ जी वही तो कहते हैं, वो एक बार जलाती है और ये जलाती ही रहती है, चिंता 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 चिंता, किस बात की चिंता पता नहीं, हाँ चिंता है, क्या चिंता है ये बताओ, हाँ कोई चिंता है, उड़ो चिंता बताओ, क्या चिंता रहेगी, कोई चिंता ही नहीं है, हाँ चिंता कुछ नहीं, जिसके पास विवेक है, संतोष है, तो उसके पास क्या है, चिंता नहीं है। शरीर के प्रारब्ध से शरीर की जैसी व्यवस्था होनी है वैसी हो जाएगी, हैं, आप सोचते हो यूँ करना है वैसे करना, जैसे शरीर का प्रारब्ध है, हैं, अभी बैठे बैठे जय श्री राम हो जाए, वो चिंता कर रहे हो ये भी होना था और वो कौन करेगा, मेरा बूढ़ा हो जाऊंगा, शरीर में शक्ति नहीं रहेगी, हैं, तब कौन करेगा, हैं,
पैर टूट गया तो तब कौन करेगा, ये हो गया तो होता रहेगा, जैसा इसका प्रारब्ध होगा और करने वाले भी क्या कर लेंगे, सारे के सारे खड़े होंगे तो भी पड़ा ही रहेगा। और आजकल तो हॉस्पिटलों में ले जाके डाल देते हैं और वहाँ हाथ पैर बांध के डाल देते हैं, है ना। बस एक ही बात प्रार्थना कर देना चाहिए घर वालों से, भाई एक बात, बस हॉस्पिटल मत लेके जाना, मर जाए यहीं ठीक, है ना। है ना, कितना ही तड़पें, कितना ही कष्ट हो, पर एक काम करना, बस हॉस्पिटल मत लेके जाना। बुढ़े को मरते मरते को नरक दिखा देते हैं, जीते जी ऐसा बांध के, हाथ पैर बांध देंगे, ना हिल सके, ना है मक्खी उड़ा सके, ना मच्छर, ना खुजली कर सके, है ना, किसी को मिलने देंगे, सड़ा रहे, गड़ा रहे, कुछ होता रहे। हाथ जोड़ के बस अपनी वसीयत लिखते हो ना, बस एक चीज लिख दो ना, बाकी ठीक। तो ना पहले लिख दो कि भाई इतना काम कर दियो, है ना, क्योंकि बहुत दुर्गति करते हैं। यहाँ सी वो डाल देंगे सुई, यहाँ सुई, यहाँ कोई शरीर का अंग छोड़ते हैं क्या? हाँ, और कहना जो कुछ है सारा कुछ ले जाएंगे, तो बस इतना ही उपकार कर दो, कहना ये उपकार बहुत। हाँ, बस जित आदमी जल जल बीमारी हो गए जल के भरोसे रह ले, वो संतों ने ऐसे शरीर छूट जाता है बहुत आराम से, और बल्कि शरीर में रोग होते वो भी ठीक हो जाते हैं। वहाँ करते क्या है, भूखे मारते हैं आपको, भूखे मरते हो वहाँ ठीक हो जाते हो, और होता क्या है, हॉस्पिटल में गए भूखे मार दिया, आप कहते हो ठीक हो गया मैं, अरे भूखे मर के ठीक हुआ है, कोई डॉक्टर ने ठीक करा है, अपना घर में भूखे मर लो। पर यहाँ तो क्या है, कभी समोसा चाहिए, कभी पराठा चाहिए, कभी समस्या तो वो है ना, भूखे मर, जब बीमारी हो सारे जीव जंतु भोजन छोड़ देते हैं, सब ठीक, इतना ही तो काम करते हैं। महीने भर से रोटी मैंने भी छोड़ दी, इतना ही तो काम करते हैं, जब से दांत सारी आपकी इसमें आ जाएगी सेठ जी, रोटी इधर ही सुन लो, अपनी अपनी शुरू हो जाएगी, नहीं तो सबकी। अच्छा जी, समझ आया क्या? तो आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक ताप तीन रूप अग्नि के द्वारा ये जो स्थूल देह है इसमें दाहत्व की संभावना है ही। अब गिना रहे आगे खुद ही, आध्यात्मिकं नाम आत्मानं देहं अधिकृत्य वर्तते इत्यध्यात्मं। आध्यात्मिक दुख, आध्यात्मिक किसको कहते हैं जी? तो कह रहे आत्मानं देहं अधिकृत्य, अपने शरीर को अधिकृत करके जो विद्यमान रहता है उसको क्या बोलते हैं? अध्यात्मम। समझ आया? अधि आत्मम, समझ आया? अधि आत्मानम अधिकृत्य वर्तते इति अध्यात्म, अपने आप को अधिकृत करके जो विद्यमान रहता है उसको क्या बोलेंगे? अध्यात्म। जैसे भूख प्यास आदि है वो शरीर में ही रहेंगे ना, तो अपने इस स्थूल शरीर को अधिकृत करके रहते हैं, ऐसे तो यानी कि भूख यहाँ रहेगी, हैं, रुमाल में रहेगी भूख, या दीवार में रहेगी, या मकान में रहेगी, कहाँ रहेगी, हैं, अपने इस देह को जो अधिकृत करके रहे, ऐसे ही बुखार आदि कहाँ रहेंगे, है ना, ऐसी सर्दी आदि कहाँ रहेंगे, है ना। तो इसलिए उसको अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्मम च तत दुखम, अध्यात्म हो और जो दुख है उसको आध्यात्मिकम, आध्यात्मिक वात पित्त कफ जातम शिरो रोग ज्वरादिना व्याधि रूपम, है ना। अध्यात्मम च तत दुखम, अध्यात्म और उसमें दुख उसको आध्यात्मिक, तो आध्यात्मिक वात पित्त कफ जातम,
वात पित्त कफ के कारण से होते हैं रोग, है ना। देखो यहाँ बता भी दिया, यहाँ पर भी सिरो रोग ज्वरादिना व्याधि रूप, वात पित्त कफ के द्वारा कभी सर में दर्द है, कभी बुखार आदि जो कुछ होते हैं व्याधि रूपम, व्याधि रूप वो सब किससे है, और ये हॉस्पिटल वाले किसका इलाज करेंगे हैं, बीमारी का इलाज करते हैं। बीमारी तो है वात पित्त कफ के कारण से, ये कुछ चोरी करते रहते हैं हैं, बीमारी किसके कारण से है, और ये क्या करते हैं कुछ और क्या पता नहीं, तो उनको पूछो क्या क्या, वो भी उनको भी नहीं पता, उनको थोड़ा पता है, कुछ कुछ करते रहते हैं, जो उसको मार दो उसको मार दो, मतलब ज़्यादा ताकत की चीज़ें दे देंगे जो अंदर हो रहा है उसके असर को कम करने के लिए, है ना। तो कुछ कुछ करते रहते हैं, मुझे खुद नहीं पता। वात का इलाज करो, पित्त का इलाज करो, कफ का इलाज करो, ठीक है। और वात पित्त कफ का इलाज क्या है, पांचों भूतों का वो रखो। कितने बार बताया आकाश तत्व अधिक होना चाहिए शरीर में, आकाश तत्व माने खाली, तो खाली मतलब खाओ मत, आकाश तत्व जितना बढ़ेगा उतना रोग भाग जाएंगे, वायु तत्व श्वास लेने से प्राणायाम करने से बढ़ेगा है, भाग दौड़ काम धाम करने से अग्नि तत्व बढ़ेगा, जितना करेंगे उतना पसीना भी आएगा, खून भी गर्म होगा है, सारे दोष जल जाएंगे। अग्नि तत्व बढ़ाओ, जल तत्व बढ़ाओ, धीरे धीरे जल पियो आराम से, और जल सामान्य तापमान का पियो, ठंडा थोड़ा ही, और पृथ्वी तत्व खाते रहते, बस हर समय खाते रहो, और क्या है कि सुबह के पराठा भाती, और क्या दोपहर में तो कहना वो खीर और चूरमा भाती, और क्या रात को शाम को क्या फिर ये वाला, तो हर समय ये होता रहेगा, तो फिर क्या अग्नि वो मिट्टी मिट्टी भरने में लग रहे, पाइप जाम नहीं हो जाएगा, मिट्टी मिट्टी भरते रहोगे पानी नहीं डालोगे तो क्या होगा है जी, आग नहीं होगी तो पानी भी जाके क्या हो जाएगा, बर्फ जाम हो जाएगा ना, पानी भी ऊपर देख लो, इसलिए अग्नि भी हो, वायु वायु तो धक्का मारे, वायु बढ़ेगा तो क्या होगा, धक्का तो कौन मारता है, शरीर से जितनी भी गंदगी को बाहर निकालने के लिए कौन निकालेगा, वायु निकालेगा ना, प्राण वायु, तो ऐसे। और आकाश तत्व जगह ही खाली नहीं तो वायु कहाँ जोर लगा लेगी, जगह ही नहीं है, इसलिए भाई ये पांच तत्वों से क्या बनते, वात पित्त कफ होते हैं विकृत, और फिर रोग होते हैं, ठीक है ना। और ये जो आज डॉक्टर ये तो पता नहीं क्या करते हैं, किस चीज़ का इलाज कर रहे हैं पता नहीं। अच्छा जी, ये बात क्यों बताया, पूछूंगे क्यों बताई जी, सावधान कर रहा हूँ वहाँ मत चले जाना, ठीक है ना, कसाई के पास मत जाना, ठीक है। अच्छा जी, व्याधि रूपम ये आध्यात्मिक हो गया, वात पित्त कफ से जो शिरो रोग ज्वर आदि होते हैं अध्यात्म में, तो उनको कहते आध्यात्मिक दुख ताप आदि भौतिकम नामा भूतम अधिकृत्य वर्तते इति आदि भौतिकम व्याघ्र तस्करादि जन्य दुखम। आदि भौतिक दुख किसको कहते हैं जी, भूतम अधिकृत्य वर्तते, जो भूतों को अधिकृत करके, अन्य जो भूत हैं है? उनको अधिकृत करके जो रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, अधिभौतिक, क्या बोलते हैं है? उसको बोलते हैं आदिभौतिकम। व्याघ्र तस्करादि है, शेर का सांप का बिच्छू का जो डर है, और चोरों का है, जो उनका के द्वारा जो दुख होता है उसको
आदि भौतिक दुख कहेंगे। आदि दैविकम नाम देवम अधिकृत्य वर्तते इति आदि दैविकम शीत आतप वात वर्ष वर्ष विद्युता वैद्युतादि दुखम। और आदि दैविक दुख किसको कहेंगे? देवम अधिकृत्य वर्तते, दैव को है, भाग्य को, देव देव के लिए देवताओं के लिए मान लिया गया, तो देव जो है उसको अधिकृत करके जो रहता है उसको आदि दैविक कहते हैं। क्या कहते हैं? आदि दैविक कहते हैं। शीत आतप धूप और वात तूफान आ गया, वर्ष क्या हो गई, वर्षा हो गई, वैद्युतादि दुखम बिजली चमक उठी, बादल फट गए हैं, धरती हिल गई, तो ये सब क्या है? ये देव है ना, सब सबके सब क्या है? वर्षा क्या है? देव है। बिजली क्या है? देव है। शीत क्या है? देव है। धूप क्या है? देव है। सबके सब क्या है? देते हैं ना, नहीं देते हैं? कोई जो है फलों में रस भर रहा है तो कुछ फलों में भरे हुए उस रस को पका रहा है, है ना? तो सबके सब देव हुए ना। क्या ये पांचों महाभूत जो है, आकाश देव है ना, वायु देव नहीं है, श्वास प्रश्वास उसी से, अग्नि देव है ना, आग के मतलब ठंडा हो जाए शरीर, देखना देखो पैर गर्म है क्या, कई बार श्वास आदि का ना पता नहीं लगता ना, बुढ़ा मरने वाला है तो देखो क्या शरीर, यदि शरीर भी ठंडा हो गया तो समझो गया, है ना। अग्नि ना हो, अग्नि देव है ना, और जल देव है ना, नहीं है, और पृथ्वी जो आपको क्या है, आपके शरीरों को अपने ऊपर रखा हुआ है, पृथ्वी क्या है, सब भोजन अन्न वस्त्र आवास निवास सब कुछ किस में, देव हुआ ना, तो सब देव है, तो इसलिए देवों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, तिरस्कार नहीं करना चाहिए, सबकी स्तुति करनी चाहिए, सबको नमस्कार करना चाहिए, ये परंपरा है। बोल दे समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमक्ष्वमि, बोलते हैं ना सुबह उठते ही, और पृथ्वी पर पैर रखने से पहले, ये सब निरर्थक नहीं है, ये कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर एक संवेदना, एक वास्तविक धरातल पर जीने की प्रक्रिया है, केवल ये कर्मकांड नहीं है, एक आदत हो कि हाँ सबका आभार माने, सबका आभार माने, वायुदेव जिसकी कृपा से मैं श्वास प्रश्वास ले पा रहा हूँ, जीवित हूँ जिसकी कृपा से मैं सेवा कर पा रहा हूँ, साधना कर पा रहा हूँ, चिंतन कर पा रहा हूँ, तो सबका क्या करें, आभार मानने की वो, इसलिए वही पूजा है, सबका जो स्तुति करना है, सबके प्रति जो भाव रखना है, श्रद्धा रखना है, यही क्या हो जाती है, और जो वो कृतज्ञ होता है, जो खाया पिया सो गया वो क्या होता है, कृतज्ञ होता है, इसलिए सबको हाथ जोड़ दिया, सबका आभार है ना, सज्जन का ये आभार है कि वे हमें क्या है रास्ता दिखाते हैं, और दुष्ट का ये आभार है कि वे कम से कम हमें कहीं फंसा नहीं रहे, उलझा नहीं रहे, कहीं है रास्ता नहीं रोक रहे, तो उनका भी तो आभार है, नहीं है कि आपकी बड़ी कृपा है, है आपकी आपकी बड़ी कृपा है, आप यदि कृपा ना करें तो हम कुछ भी ना कर पाए, यदि दुष्ट लोग कृपा ना करें तो उलझ जाओगे ना,
नहीं, हाँ, तो दुष्टों की भी कृपा है। इसलिए सज्जनों से पहले किनको नमस्कार कर लिया करो, हाँ, बड़ी कृपा है आपका, आपकी आपकी कृपा है, सब आपकी कृपा से सब हो रहा है, हाँ? आप कृपा ना करें तो फिर क्या होगा, क्या भटक जाएंगे हम, हाँ। तो इसलिए सबका आभार मानना चाहिए, सब देव है, सब दे ही रहे हैं ना कुछ नहीं दे रहे, सब दे रहे। तो ये संवेदना है, कहीं ना कहीं ऋण मोचन हो जाता है, ऋणों से मुक्त हो जाता है ना, पृथ्वी दे रहे उसके ऋण से मुक्त हो जाए, अग्नि दे रहे उसके ऋण से, सबके ऋण से मुक्त होते चलो, क्या होते चले, सबके ऋण से उऋण होते चलना चाहिए, ऋण ना रहे। और रही बात इस विद्या और परमात्म प्राप्ति की ओर, तो इससे तो श्रेष्ठ कुछ है ही नहीं। इसको जिसने जान लिया, पा लिया, अनुभव कर लिया, वो तो समस्त माया प्रपंच, द्वैत प्रपंच इससे मुक्ति ही हो गया, तो उसकी तो बात ही अलग, उसकी तो बात ही अलग है। लेकिन जगत व्यवहार में भी ये जो सब बनाए हैं ना कि ये करो ये करो ये करो, तो ये सब क्या है, ये यही है कि सबके ऋण से ऋण होते चले, जाने अनजाने जो भूल हो गई, जो पाप हो गए, उनका प्रायश्चित होता चले, और हम अपना जीवन कैसे जिए, निर्भार जीवन जिए, सरल जीवन जिए, और कैसा जीवन जिए, सुंदर जीवन जिए, बोझा रहित, जिस जीवन में कोई प्रसन्नता है, रस से भरा हुआ जीवन जीना चाहिए ना। ये स्पष्ट हो गया है, तो ये आपको बतला दिए है जी। तो दुख बतलाने थे ना, दुख क्या बताने थे, बात कहाँ से शुरू हुई थी, दुख से शुरू हुई थी ना, किन निमित्तम दुखम, तो पता लग गया ये तीनों ताप, और इन तीनों तापों के द्वारा होने वाले जो विविध दुख है, न्याय दर्शन कहता है 21 प्रकार के दुखों की निवृत्ति ही मोक्ष है। वहां पर 21 प्रकार के दुख गिनाए गए है ना न्याय दर्शन में, तो कहते 21 प्रकार के दुखों से मुक्त हो गए, वही क्या है, मोक्ष। कुछ लोग बोलते हैं कि त्रिविध दुख जो है इनकी हानि हो गई, यही मोक्ष है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं का हुई व्यापा, दैहिक दैविक भौतिक ताप कहते राम जी के राज में किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं थे, ऐसा बोलते हैं। तो त्रिविध जो ताप है इनके द्वारा विविध दुख भोगते रहते हैं, तो किसके कारण से, शरीर के कारण से ना, तो इस तरह है, ये शरीर की बात बता दी है जी, स्थूल शरीर हो गया, संक्षेप संक्षेप में बता रहे हैं। अब आगे देखिए क्या बताते हैं, सूक्ष्म शरीरम नामा। अब सूक्ष्म शरीर भी आप लोग सुन लीजिए क्या बोला है, अपंचीकृत भूत कार्यम सप्तदशकम लिंगम। जो अपंचीकृत पंच महाभूतों का कार्य क्या है, अभी पंचीकरण नहीं हुआ है, अभी भूत क्या है, अपने अपंचीकृत स्वरूप में ही विराजमान है, और उन अपंचीकृत पंच महाभूतों से जो उत्पन्न होता है सप्तदशकम, सत्रह तत्वों वाला
लिंगम, उसको क्या बोलते हैं, लिंग शरीर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग शरीर भी, जिसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। सप्तदशकम नामा, ये क्या है जी 17, ये भी तो बता दीजिए। तो कहते हैं ज्ञानेन्द्रियाणि पंच, कर्मेन्द्रियाणि पंच, प्राणादिवायवः पंच, बुद्धिर्मनश्चेति। हाँ, तो सा ये 17 कौन कौन से हैं? तो कह दिया ज्ञानेन्द्रियाणि पंच, 5 ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेन्द्रियाणि पंच, 5 कर्मेन्द्रिया, और प्राणादिवायवः पंच। और प्राणादि जो वायु है ना, वे 5 कितने हो गए, 15। और बुद्धि मनश्चेति, बुद्धि और मन कुल मिला के कितने हो गए, 17। इन 17 तत्वों से बना हुआ जो है उसी को क्या कहते हैं, सूक्ष्म शरीर। लिंग शरीर भी कहते हैं, और ये अपंचीकृत पंच महाभूतों का कार्य है। अब इनको बतला रहे हैं जी क्या क्या, देखो ज्ञानेन्द्रियाणि कानि, ये ज्ञानेन्द्रिया कौन कौन सी है जी? तो देखो श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा, घ्राणानि। श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा और घ्राण कितने हो गई, 5। श्रोत्र माने कान, त्वक माने त्वचा, इंद्रिय है ये भी, और चक्षु इंद्रिय, और जिह्वा रसनेन्द्रिय, और घ्राण माने नासिका। ये क्या कराती है, ज्ञान कराती है, इनके द्वारा ज्ञान होता है। श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा शब्द का ज्ञान, त्वग इंद्रिय के द्वारा स्पर्श का ज्ञान, चक्षु इंद्रिय के द्वारा रूप का ज्ञान, और रसनेन्द्रिय के द्वारा रस का ज्ञान, और घ्राण इंद्रिय के द्वारा इसका गंध का। हाँ जी, अब इनके पूछ रहे हैं जी श्रोत्र, त्वक आदि, तो कहना हमने पहली बार सुने, ये बताओ तो सही श्रोत्र किसको कहते हैं? समझ आएगी 5 ज्ञान इंद्रिया। अब ये देखो किसको कहते हैं, श्रोत्रेन्द्रियम नामा, श्रोत्रेन्द्रिय किसको कहते हैं जी? तो देखो कर्ण व्यतिरिक्तम, कर्ण सस्कुल्यवच्छिन्न नभ, देशाश्रयम, शब्द ग्रहण शक्ति, मद इंद्रियम, श्रोत्रेन्द्रियमिति। श्रोत्रेन्द्रिय सुनो किसको कहते हैं, कर्ण व्यतिरिक्तम, क्या जी ये है श्रोत्रेन्द्रिय, जो कान दिख रहे हैं ये श्रोत्रेन्द्रिय है क्या? ये जो दिख रहा है ये श्रोत्रेन्द्रिय है। अब कोई मकान को देखकर क्या कहे, ये रहा रमेश, अरे वो रमेश नहीं है, क्या है, रमेश के रहने का स्थान है। तो इसको देख के कोई क्या कहे, ये रहे कान, श्रोत्रेन्द्रिय, तो श्रोत्रेन्द्रिय नहीं है, ये श्रोत्रेन्द्रिय के रहने का स्थान है। और मकान से अलग होता है ना, रहने वाला अलग होता है। तो वैसे कर्ण व्यतिरिक्तम, ये जो कान दिख रहे हैं ना, इनसे जो अलग है, कर्ण सस्कुल्यवच्छिन्न नभ, कर्ण में जो क्या है, जो खालीपन है, इस कान के सस्कुली में जो अवच्छिन्न नभ, कर्ण रूप ये जो है दीवार, इसके द्वारा जितना जो आकाश है, वो आकाश जिस जितना ढका गया, उस आकाश का नाम क्या है, श्रोत्रेन्द्रिय। समझ आया?
तो देखो कर्ण ससकुल्य वच्छिन्न नभ, कर्ण ये जो कान है इसमें की जो दीवार है, इसकी जो सीमा है, इसके द्वारा जितना आकाश इसमें आ जाता है, इस खालीपन में, ससकुली कहते हैं इस खालीपन है? कान के में जो खालीपन है उस खालीपन में अवच्छिन्न नभा जितना आकाश है, देशाश्रयम उतने देश का जो, उतने आकाश का जो आश्रय, शब्द ग्रहण शक्ति मद, और क्या है शब्द ग्रहण की शक्ति वाला, शब्द को ग्रहण करने की शक्ति वाला जो इंद्रियम, इंद्रिय है उसको श्रोत्रेंद्रियम, श्रोत्रेंद्रिय कहते हैं। कर्ण ससकुल्यवच्छिन्न आकाशम ऐसे करके बोला गया है। कर्ण जो ये ससकुल इसमें जो खालीपन है, कान में खालीपन है ना, यदि खालीपन ना हो तो क्या होगा, आवाज सुनाई पड़ेगी। ये देखो यो बंद कर दो तो क्या होता है, कानों में जो क्या है खालीपन, उसमें जो अवच्छिन्न नभा जितना आकाश उसमें भरा हुआ है, उतन उस देशाश्रयम उतने देश का जो आश्रय है उसको क्या बोलते हैं, और शब्द ग्रहण की शक्ति जिसमें हो उसको श्रोत्रेंद्रिय बोलते हैं। हाँ जी समझ आ गया सेठ जी, कानों से अलग है, कानों में जितना खाली स्थान और उसमें जितना आकाश, उस आकाश का जो आश्रय बना हुआ है उसी को क्या कहते हैं, श्रोत्र इंद्रिय कहते शब्द ग्रहण शक्ति वाला। त्वग इंद्रियम नामा त्वग व्यतिरिक्तम त्वगाश्रयम आपाद तलमस्तक व्यापी शीतोष्णादिस्पर्श ग्रहण शक्ति मद इंद्रियम त्वगिंद्रियमिति। त्वगिंद्रिय किसको कहते हैं जी, तो कहते त्वग व्यतिरिक्तम त्वचा से जो अलग है, त्वचा से क्या है अलग है, और त्वगाश्रयम और त्वचा का जो क्या है आश्रय है, आपाद तलमस्तका व्यापी क्या है, पैरों से लेकर के मस्तक पर्यंत व्यापी जो है, व्याप्त करके रहता है इस शरीर को, पैरों से लेके मस्तक तक जो व्याप्त करके रहता है, शीतोष्णादि स्पर्श ग्रहण शक्तिमत, शीत उष्ण आदि जो स्पर्श है उनके ग्रहण की शक्ति वाला जो है इंद्रिय उसको क्या बोलते हैं, त्वग इंद्रिय। यहाँ से भी पता लग जाएगा ये चीज़ गर्म है या ठंडी है, यहाँ रख दोगे तो भी, और सर पे रख दिया तो, और पैर पे रख दिया तो, सब जगह क्या है त्वग इंद्रिय है ना, क्यों जी सब जगह त्वग इंद्रिय है। तो जो त्वचा से अलग है और इसका आश्रय है, इसका आश्रय है, और जो पैरों से लेकर के मस्तक पर्यंत विद्यमान है, शीत उष्ण आदि जो स्पर्श है उनको ग्रहण करने की शक्ति वाला जो इंद्रिय है उसको त्वग इंद्रिय कहते हैं। समझ आ गया, तो त्वग इंद्रिय हुआ, इसके द्वारा क्या ज्ञान हुआ, स्पर्श का ज्ञान, जो श्रोत्र इंद्रिय है उसके द्वारा शब्द ग्रहण शक्तिमत है ना, तो शब्द का ज्ञान हुआ, और इसके द्वारा
स्पर्श का ज्ञान। अच्छा जी, चक्षुरेन्द्रियम नामा, चक्षुरेन्द्रिय किसको कहते हैं जी? तो देखो, गोलक व्यतिरिक्तम गोलकाश्रयम कृष्ण ताराग्रवर्ती रूपादि ग्रहण शक्ति मद इंद्रियम चक्षुरेन्द्रियम। गोलक व्यतिरिक्तम, ये दिख रही है ना आंखें, ये जो गोलक है ना, इससे जो अलग है, इससे क्या है, अलग है। और गोलक आश्रयम, गोलक का जो आश्रय, इस गोलक का क्या है, आश्रय। कृष्ण ताराग्रवर्ती, और ये जो काला कालापन दिख रहा है ना आंखों में बीच में, इसके जो अग्र भाग में है ना, हाँ जी, आंख कहाँ है, चक्षुरेन्द्रिय, ये जो कालापन दिख रहा है इसमें एक और छोटापन है, कालापन देखा आपने, दिखता है ना, इसके अंदर क्या है, कृष्ण ताराग्रवर्ती, जो कृष्ण तारा है ना उसमें भी जो अग्रवर्ती आगे की तरफ जो है वही क्या है। और रूपादि ग्रहण शक्ति मद, रूप आदि जो ग्रहण करने की शक्ति वाला है चक्षुरिंद्रियमिति, उसको चक्षुरिंद्रिय, समझ आया, चक्षु ये जो गोलक है इनसे अलग है, इनका आश्रय है। और जो कृष्ण तारा है ना उसका जो अग्रवर्ती बिल्कुल आगे के भाग में जो विद्यमान है, रूपादि ग्रहण शक्ति मद, रूप के आदि की ग्रहण शक्ति वाला जो है चक्षुरिंद्रिय, उसको क्या कहते हैं, चक्षुरिंद्रिय, समझ आ गया जी। तो रूप यहाँ कह दिया, आदि क्यों कहा यहाँ पर, बाकी तो कहीं आदि नहीं कहा है। शब्द ग्रहण शक्ति मद कहा, फिर स्पर्श ग्रहण शक्ति मद कहा, लेकिन यहाँ पर क्या कह दिया, रूप आदि, आदि से क्या ले, तो रंग ले लेना, रूप, रूप तो हो गया आकार, और उसका जो रंग काला पीला नीला आदि से ये ले लेना है, और क्या लेंगे, क्यों जी, और क्या ग्रहण होता है चक्षु से, रूप का ग्रहण होता है ना, तो आदि लगा दिया तो रंग ले लिया, तो रूप आदि ग्रहण शक्ति मद इंद्रियम चक्षुरिंद्रियम, तो इसको चक्षुरिंद्रिय कहते हैं, जिसके द्वारा रूप का ज्ञान, समझ आ गया। तो चक्षु क्या है, तो गोलक है, ये क्या है, चक्षु के गोलक है, चक्षुरिंद्रिय के, इनमें जो रहता है, इनका जो आश्रय है, और जिसमें क्या है, रूप ग्रहण की शक्ति है, उसको चक्षुरिंद्रिय कहेंगे। जिह्वेन्द्रियम नामा, जिह्वा व्यतिरिक्तम, जिह्वाश्रयम, जिह्वाग्रवर्ती रसादि ग्रहण शक्ति मद इंद्रियम जिह्वेन्द्रियमिति। हाँ जी, जिह्वेन्द्रिय किसको कहते हैं, तो कहते हैं जिह्वा व्यतिरिक्तम, जिह्वा से जो अलग है, जिह्वाश्रयम, और जिह्वा का जो आश्रय है, जिह्वाग्रवर्ती, और जिह्वा के अग्र भाग में, आगे तो पता लगता है खट्टा मीठा, यदि पीछे रख दे तो पता लगेगा है, क्यों जी, कई लोग जिनको ज़्यादा खाना होता है ना वो क्या करते हैं, बताइए ये कला, जीभ मत लगाओ, जीभ लगाओगे तो मीठे से मन भर जाएगा जो चीज खा रहे हो, जीभ नहीं लगाओगे तो मन भरेगा क्या,
हाँ एक बात में बता रहे थे, ये भी ट्रेनिंग ट्रेनिंग है ये भी, कि क्या करना, सीधा यहाँ रखना गुलाब जामुन पीछे, और लेकिन उनको मूर्खों को ये नहीं पता कि उसके खाने का कोई अर्थ हुआ क्या। जिस भोजन में मुख की जो लार है, ये रस ये नहीं मिला, वो भोजन क्या है? इसलिए भोजन अधिक देर कहाँ रहना चाहिए? मुंह में रहना चाहिए। जितनी देर भोजन मुंह में रहेगा उतना ही शीघ्र वो पचेगा। और भोजन मुंह में तो होता नहीं, सीधा कहाँ होता है? थाली से सीधा पेट में होता है, मुंह में होता नहीं है। इसलिए क्या होता है? फिर सारी बीमारियां होती है। उस भोजन के पाचन से जो रस प्राप्त होना चाहिए, वो रस नहीं होता ना। बहुत से लोग देखोगे अपने खाते इतना है और दिखता दिखता है नहीं, क्यों? क्योंकि रस नहीं बन रहा है ना। खाना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण क्या है? उसका पचना, और पचने के पश्चात भी जो शक्ति है उस शक्ति को रोकना, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। महत्वपूर्ण क्या है? खाना कोई खाना कोई महत्वपूर्ण नहीं है। उसके पाचन से रस होना चाहिए। रस का ही तो समस्त शरीर के अंगों के द्वारा अवशोषण होगा। रस से रक्त, रक्त से मांस, उससे मेद, फिर मज्जा, फिर शुक्र, तब उसका क्या हुआ? शक्ति हुआ, सामर्थ्य। खाने से ज्यादा महत्वपूर्ण पचाना, और पचाने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है उसके द्वारा प्राप्त जो शक्ति है, उस शक्ति को क्या करना? रोके रखना, वो महत्वपूर्ण है ना। लेकिन लोग क्या समझते हैं? खाने को महत्व देते हैं, पचाने से कोई मतलब नहीं है। पचा नहीं, पचा पचता ही नहीं है। कोलेस्ट्रॉल क्यों है, बीपी क्यों है, शुगर क्यों है? इसीलिए तो है, क्योंकि पचता नहीं है। भोजन सही से पचेगा मतलब ही नहीं है, कुछ हो गए कुछ भी नहीं होगा, पचता नहीं। हाँ कैसे पचे जी, बता दिया हमने आपको कैसे पचेगा। आकाश तत्व बढ़ाओ, वायु तत्व बढ़ाओ, अग्नि तत्व बढ़ाओ, सब पच जाएगा। जल तत्व बढ़ाओ, बस मिट्टी तत्व को थोड़ा सा कम कर। हाँ जी, समझ आया? ये रस ग्रहण करने की शक्ति वाला जो इंद्रिय जीवेंद्रिय है। घ्राणेन्द्रियम नामा, घ्राणेन्द्रिय किसको कहते हैं जी? नासिका व्यतिरिक्तम नासिकाश्रयम नासिकाग्रवर्ती गंधादि ग्रहण शक्ति मद इंद्रियम घ्राणेन्द्रियम उच्यते। घ्राणेन्द्रिय किसको कहा है? नासिका से जो अलग है, नासिका का जो आश्रय है, और नासिका के अग्रभाग में रहने वाला है। कहाँ रहता है? अग्रभाग में रहता है। और गंधादि ग्रहण शक्ति मद आदि, इसलिए बोल दिया जाता है कि दो है ना गंध, सुगंध और दुर्गंध, इसलिए आदि बोल दिया। ऐसे पीछे जो रस रस आदि बोल दिया है ना, तो रस कहीं है, षड रस है, उनका ग्रहण होता है, इसीलिए कह दिया। और आदि शायद इसलिए भी कह दिया होगा कि दो कार्य भी हो जाते हैं। अभी आपकी जो रसना है ना, वो रस का ग्रहण भी करती है, साथ ही साथ क्या करती है? लड़ाई भी करवाती है, है? और दोनों काम भोजन के कारण ही होते हैं। लड़ाई क्यों? इसी का जीव के कारण तो लड़ाई है सारी। भोजन स्वादिष्ट क्यों नहीं बनाया? इस बात को लेके लड़ाई। दूसरा उल्टा सीधा बोल दिया तो लड़ाई। यही लड़ाई कराती है ना, यही लड़ाई कराती है। राम जी गए इनके पास वन में, जब वनवास हुआ
तब भरद्वाज महर्षि के पास लक्ष्मण को भेजा कि हमें कहाँ निवास करना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए, कहाँ निवास करें। तो भरद्वाज महर्षि ने दो इंद्रियों को पकड़ लिया, एक तो उपस्थ इंद्रिय जननेन्द्रिय और दूसरा रसनेन्द्रिय। कहते इन दो इंद्रियों को वश में कर लो, फिर जहां मर्जी वहां रहो, क्या करो है? दो इंद्रियों को पकड़ लो, जननेन्द्रिय को और रसनेन्द्रिय को। ये दोनों इंद्रिय दो दो काम करती है ना, दोनों इंद्रिया, बाकी सब इंद्रिया एक काम करती है और ये इंद्रिया क्या करती है, दो दो काम करती है। तो कहते हैं इन दो इंद्रियों को पकड़ लो, फिर जहां मर्जी हो मारो, सब जगह स्वर्ग है। और जिसके ये दो वश में नहीं है तो फिर क्या है, क्या रस टपक रहा है। एक महात्मा थे तो बड़े क्रोधी थे, बहुत क्रोधी। तो उनसे पूछा कि साधु ने, कह आ गई वहां से, कह हाँ आ गया, क्यों, कह अपने वाला आ गया था, है? क्या हुआ? वो जानते थे कि मेरे अंदर बहुत क्रोध है, वो स्वयं कहते थे कि उनको आता बहुत ज्यादा, शरीर ही चला गया विचारों का, इतना भयानक क्रोध कोई सीमा नहीं, बहुत क्रोध आता। तो फिर मजाक भी करते थे बाद में जब वो स्वस्थ, कहते थे वो मेरे वाला जब आ जाता है ना, फिर नहीं, फिर कुछ नहीं दिखता है। पूछा महाराज क्या हुआ, वहां से आ गए, वहां तो आप सारा कुछ बना दिया था आपने, तो कहने लगे क्या बताऊं, बस अपने वाला आ गया और बस, फिर तो क्या है, फिर तो वो एक सेकंड में थल्ला ठा के भाग देते, फिर ये भी नहीं कोई कितना ही रोके, कितना ही सुनना ही नहीं, इतना क्रोध आ गया। बूढ़े थे बताओ, इतना भी संयम नहीं हो पाया, फिर क्या है, संयम चाहिए। तो दो पकड़ लो, कहीं रहो, चोरी जारी मिथ्या बाकी साधु की इच्छा, क्या बोला, चोरी जारी मिथ्या बाकी साधु की इच्छा। एक तो चोरी ना करें, जारी ना करें और झूठ ना बोलें, मिथ्या आचरण ना करें, बाकी बाकी साधु की इच्छा। साधु का क्या है, पढ़ा रहे चाहे, ये गड़बड़ है ना, चोरी जारी और मिथ्या, जारी वे विचार, जारी भी नहीं जानते हैं। जार कहा जाते हैं ना, जार व्यभिचारी पुरुष को जार कहते हैं, जर जोरू जमीन बोलते हैं ना, तो जार जार माने वो व्यभिचार है ना। तो ऐसा ये दोनों कहते, तीनों मिथ्या, चोरी जारी मिथ्या और बाकी साधु की, बाकी साधु की मर्जी है, माल उड़ाए चाहे मलाई खाए, बाकी क्या फर्क पड़ता है। वैसे भरद्वाज जी कहने लगे कहीं रहो जी, ठीक है ना, और ये दो इंद्रियों को बस में रखो। अब ये दो इंद्रिय बस में जिसके नहीं है, सारी दुर्गति का कारण यही है, सारी दुर्गति जो हो रही है इस जीव की, ये जो मोह के लोभ के स्वार्थ के बंधन में फंसा हुआ है, किसके कारण से, ये तो गुलाम बनाती है, रसनेन्द्रिय का गुलाम और जननेन्द्रिय का गुलाम। इसके लिए कहा गया है ना गीता जी में, शिशनोदर परायण है, इसी से फंसा हुआ है जीव, शिशनोदर, एक तो ये पेट और दूसरा जननेन्द्रिय, इसके कारण से क्या होता है, इसलिए फंसा हुआ, बाकी इसको बंधन क्या है, कोई बंधन ही नहीं। शिशनोदर परायण है ना, जैसे कहते हैं कि आज क्या होंगे, आज के समय में शिशनोदर परायण, पेट भरो और भोग भोग, कैसी मानसिकता, क्या करो, पेट भरो और भोग, यही पाप के कारण है।
और इनका संयम जिसको है वो क्या है, वो आनंद में है, वो मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ता चला जाता है और इनके कारण से बंध जाता है और बंध क्या जाता है, जीवन भर के लिए बंध जाता है, जीवन भर के लिए बंध, जन्म जन्मांतरों के लिए बंध जाता है। विषयों की आसक्ति करके एक जन्म के लिए बंध है, जन्म जन्मांतरों के लिए है जी। हाँ, इसलिए विषयों की आसक्ति का परित्याग ही तो करना है, है? सारे के सारे विषय जो क्षण भर के लिए सुख देते हैं वास्तव में क्या है, दुख रूप। ये बात अपने मन को खूब अच्छे से बड़े प्यार से समझानी है। जितने भी विषय है, चाहे वो शब्द विषय हो, रस विषय हो, रूप विषय हो, गंध विषय हो, स्पर्श विषय हो, ये सब के सब क्या है, सुख रूप नहीं, वास्तव में भयानक दुख, बहुत बड़ी घोर गड्ढे में, विपत्ति में डालने वाले, पुनः पुनः इस जीव को देह की प्राप्ति केवल इन विषयों की आसक्ति के कारण होते। विषयों की आसक्ति ना हो फिर क्यों जाएगा भाई, कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है क्यों जा रहा है, इच्छा है ना, कोई कामना है ना, इसलिए तो जा रहा है, किस लिए आएगा फिर, गर्भ में क्यों आएगा, शरीर क्यों धारेगा, क्योंकि जो वासना है उस वासना को पूर्ण करने के लिए, उसको भोगने के लिए शरीर धारण करता है। वासना त्याग हो गया, मुक्ति ही है, क्या हो गया, लेकिन इसमें भेद होता है, वस्तु त्याग अलग, राग त्याग अलग है ना, समझ गए, वस्तु छोड़ देता है आदमी, ये उसका राग, राग नहीं छोड़ता है, हाँ रस नहीं छोड़ता है, तो ये विषय, जब विषयों को देख लिया, विषयों को देख लिया, विषयों को भोग लिया, तो क्या निकला, कि कुछ भी नहीं है, क्षण है, क्षण भर का है, विषयों को भोग के है देख लिया ना, क्या है, सबके सब वास्तव में दुख रूप है, बंधन रूप है, गुलाम बनाते हैं, उनका राग संचित हो जाता है, पुनः पुनः उनको पाने की तृष्णा, और इस तरह ये क्या होता है, बेचारा भंवर में फंस जाता है, जो स्वतंत्र था क्या फंस गया, भंवर में फंस गया, जन्म जन्मांतरों के लिए फंस जाता है, अवसर था बाहर निकलने का, मुक्त होने का, स्वतंत्रता का आनंद लेने का, लेकिन परतंत्र हो जाते, स्वतंत्र हो गए ना, कल हो गए थे शायद, है जी, परसों अच्छा 17 है क्या, परसों हो गए थे, याद ही दिला आप लोगों ने, हम कहना ही भूल गए उस दिन, स्वतंत्र हो गए है, आपका देश हुआ है, आप थोड़े हुए, आप नहीं हुए ना, मानसिक गुलामी, विषयों की गुलामी है, बनी हुई है नहीं बनी हुई, राग की मोह की गुलामी बनी हुई है, देह की गुलामी बनी हुई, इन सब से जो मुक्त हो जाए, समझ आ गया, हाँ, तो ये ज्ञान, ये ज्ञानेन्द्रिया बता दी आपको, तो किस प्रकार से ये विषयों के रस बांधते, बाकी का विचार कल करेंगे। ओ, ओ।